नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग गोरखपुर में मौजूद हैं, चुनाव का माहौल है। इस वक्त हेल्थ फ्रेटर्निटी क्या सोच रही है उसके मामले में न्यू जया हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अविनाश राजी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात आप मुझे ये बताइए कि यहाँ जिस तरीके से हमने जनता से बात की, जनता का कहना है कि काफ़ी कुछ काम हुआ है, एम्स खुला है, आप किस तरीके से देखते हैं कि सरकार इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से मदद कर रही है, क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आप लोगों को क्या सहयोग मिल रहा है? सर, इस समय जो है हेल्थ सेक्टर में बहुत सा काम हो रहा है। आयुष्मान भारत में जो है पूरा जो है भारत जो है इससे जुड़ा हुआ है जो है, और बड़े पैमाने पे काम हो रहा है जो है। गोरखपुर में एम्स डेवलप हुआ, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छी स्तर पे जो है काम कर रहा है जो है। जिला अस्पतालों की स्थिति ठीक है जो है, और चिकित्सा फील्ड में जो गोरखपुर में जो भय का माहौल था वो खत्म हुआ। अपराध से जो है चिकित्सा जगत जो है एकदम मुक्त है, बिना दबाव के जो है डॉक्टर काम कर रहे हैं। नहीं तो यही गोरखपुर आज से 10 साल पहले जाते हैं तो जो है डॉक्टरों से वसूली होती थी जो है, अब नहीं होती जो है। तो डॉक्टरों से वसूली कौन करता, ठेकेदार, माफिया, कौन ऐसा होता था जो अभी लगाम लग गई है? गोरखपुर में माफिया राज हुआ करता था जो है। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो इस दबाव में नहीं हुआ करता था, या माफियाओं से जो है माफिया उनसे जो है वसूली नहीं किया करते थे। ये प्रमुखता से था जो है। आज के डेट में जो है गोरखपुर में चिकित्सा जगत जो है अपने पूरे जोशो आवाज से काम कर रहा है, और अब माफिया से मुक्त है जो है। क्या कुछ भविष्य में आने वाली गोरखपुर के लिए कुछ योजनाओं के बारे में अगर जानकारी हो, स्वास्थ्य के लिए कुछ हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको, कितना आसान हो गया यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य? अब यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज एक ऑलरेडी फंक्शन में है जो है। दूसरा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट जो है योगी जी का अभी लॉन्च हो रहा है जो है, हमारी उम्र से इसी साल जो है फुल फंक्शन में काम करना शुरू कर देगा। MBBS के क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगे जो है। एम्स ऑलरेडी काम कर रहा है जो है। अब देखिए, चुनाव है, कल तीसरे फेज का चुनाव है, वोटिंग होनी है, आप लोग किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? सर, गोरखपुर में तो निश्चित ही जो है भाजपा ने काम किया है, और हमारी उम्मीद से जो है समर्थन भी इस पार्टी को मिलना चाहिए जो है, क्योंकि काम अब दिख रहा है जो है, योगी जी का काम बोल रहा है। तो हो सकता है जो है 90% लोग जो है इस चीज़ से, विकास से सहमत हैं, तो एक बार फिर जो है मौका इनको मिलना चाहिए जो है। क्योंकि जैसे एक तो सिटिंग MP हैं रवि किशन ऑलरेडी भाजपा से ही, और अब जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आया है वो कह रहा है मैं यहाँ कहाँ, मुझे मौका दिया जाए बाहरी की जगह, वो घर की बेटी हैं कह रही काजल के साथ, तो क्या कुछ लग रहा है जनता का, आप लोग कुछ देख रहे हैं? नहीं सर, जो है यहाँ सब लोग जो है योगी जी की तरफ से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, न कि जो है यहाँ सांसद जी को देख रहे हैं, रवि किशन जी को देख रहे हैं जो है। जहाँ आप इजी वे में जो मुख्यमंत्री उपलब्ध है, वहाँ सांसद जी का बहुत बड़ा महत्व नहीं रह जा रहा है जो है। तो डॉक्टर साहब ने एक महत्वपूर्ण बात जरूर कही, ये चीज़ हम लोगों ने भी नोटिस की कि गोरखपुर मतलब योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के चेहरे पे वो पहले भी बहुत समय सांसद रहे हैं और उसके बाद रवि किशन हो चुके हैं। तो हो सकता है कि जनता अन्य मुद्दों को देखे ना देखे, लेकिन योगी जी को जरूर देख रही है। गोरखपुर से कैमरामैन पवन शर्मा के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।